देख रहे हैं जन्नत की पुकार। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में डीसीपी बाहरी जिला समीर शर्मा ने ईद के पर्व को लेकर इलाके की सुरक्षा का लिया जायजा। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में डीसीपी बाहरी जिला समीर शर्मा ने ईद से पहले इलाके की सुरक्षा का जायजा लिया। इस क्रम में अमन कमेटी के मेंबर्स और मस्जिद के मौलवियों के साथ एक मीटिंग भी रखी गई, जिसमें कोविड-19 के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया। साथ ही विचार किया गया कि कोई ऐसी जगह नमाज ना पढ़े जिससे आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो। पुलिस की इस पहल के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने तहे दिल से डीसीपी समीर शर्मा का शुक्रिया अदा किया। भारत में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पर्व माना गया है। इस दिन सभी सुबह की नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयाँ देते हैं। अगर किसी के आपस में कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी गले लगाकर दूर किए जाते हैं। वहीं देश की राजनीति दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बीते 16 अप्रैल को हिंसा हुई थी, जिसके बाद से दिल्ली हाई अलर्ट पर है और तमाम मस्जिदों के पास सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए थे। वहीं ईद से पहले भी सभी जिले के डीसीपी अपने अपने इलाकों में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे। इसी कड़ी में बाहरी जिले में डीसीपी समीर शर्मा ने अपने जिले के सुल्तानपुरी इलाके में सुरक्षा का जायजा लिया और जिले की तमाम मस्जिदों की मौलवियों के साथ एक मीटिंग भी की गई, जिसमें कोविड-19 के नियमों को पालन करने को कहा गया। साथ ही अपील की गई कि ऐसी जगह कोई नमाज ना पढ़े जिससे आम जनता के आने जाने का रास्ता बंद हो व अफवाहों पर ध्यान ना दे। दिल्ली में कोई भी त्यौहार हो, ऐसे में दिल्ली पुलिस हमेशा अलर्ट रहती है, चाहे वह दिवाली हो, होली हो, नवरात्रि हो या फिर ईद, बकरा ईद या मुहर्रम। ऐसे में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ताकि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति अपने त्योहारों को सुरक्षित और शांति से मना सके। ऐसे में ईद से एक दिन पहले दिल्ली की तमाम जिलों के डीसीपी ने अपने जिले में सुरक्षा सुनिश्चित की और खुद मौके पर पहुंचकर इलाके का जायजा लिया व ईद के त्यौहार को शांति से मनाने की अपील की और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा गया। सब लोगों में भाईचारा है, बट ये है कि हमारी एक प्रेजेंस हो जाएगी तो इनको जैसे बता दें कि हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी खुश हैं लोग, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। हमने भी बात करी थी तो इन्होंने बताया पुलिस के साथ इनका दोस्ताना व्यवहार है और पुलिस से इनको अच्छी मदद मिलती है, तो कुछ प्रोटोकॉल कुछ आपने यहाँ पर कोविड को लेकर या फिर कोई इंस्ट्रक्शन लेकर आपने बताए हैं? हाँ बिल्कुल बताए हैं, 3-4 इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जैसे कोई जब पूजा करते ये नमाज पढ़ते हैं उस टाइम रास्ता ना रोकें, किसी का रास्ता है तो वो नहीं रोकना चाहिए। दूसरा, कोविड की प्रोटोकॉल फॉलो करें। तीसरा, ज़्यादा गैदरिंग है तो पुलिस को बताएं, कोई भी अगर कोई आपको लगता है शरारती तत्व है तो इमीडिएटली हमको इन्फॉर्म करें। 3-4 इनको मैंने दिए हैं और ये इसका पूरा फॉलो करें। सर, अमन कमेटी का कितना अहम रोल रहेगा इस बार ईद पे? अमन कमेटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिस हिसाब से कंडीशन है, और अमन कमेटी की मीटिंग्स हम करते रहते हैं। अब ये सब जो हमारे मेंबर्स हैं, इमाम्स हैं, सारे अमन कमेटी के मेंबर हैं और इन्होंने अपने हिसाब से लोगों को काफ़ी मोटिवेट किया है, जिससे कि कोई भी ऐसी कोई घटना होने का कोई मतलब ही नहीं, बल्कि बहुत अच्छी तरीके से त्यौहार मनाते हैं। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम सागर अहमद है। हाँ जी, आगे हमें यहाँ पर दिल्ली पुलिस आपके साथ आई है, डीसीपी साहब खुद आए हैं और आपकी मस्जिद में चलकर आए, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए कोविड को लेकर, सुरक्षा को लेकर, और आपको ये भी बताया किसी तरीके की कोई अगवा पर ना जाए, कोई अगवा आए तो फट पुलिस को बताए, और ये फ़ोन नंबर भी प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं, तो पुलिस का व्यवहार और पुलिस का साथ आपको किस तरीके से वो बताइए? पुलिस का व्यवहार यहाँ पर हमेशा बहुत अच्छा रहा है और हमें इस टाइम इतना हौसला मिला, सर हमारे साथ साथ साहब, छोटे साहब, डीसी साहब, एसीपी साहब हमारे साथ पैदल चल के इतना, इन्होंने हमारे इतना हौसला बढ़ाया है, हमारा हौसला जारी करा है इतना कि हम यहाँ पे ऐसी कोई भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।